So hey guys, what's up everybody? It's your boy Jash Wagela, back to you again with new video, baby. और आज है थर्सडे, तो आज का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं लोहागढ़ लोनावला। तो सब बाइक से धपाधप निकल गए, 7 बजे निकलने वाले थे, अभी बज रहे 9:30, तो बहुत लेट हो गया है। अभी फटफट निकलते और बात करते हैं। और पौवे में पूरा ट्रैफिक जाम होने के बाद अभी थोड़ा रास्ता क्लियर मिला है, तो अभी कब निकल जाते हैं। वही वापिस अभी रुक गए पनवेल में नाश्ता करने के लिए, सबको भूख लग गया था इससे वापिस, तो अभी पनवेल में नाश्ता करते हैं और वापिस निकलते हैं अपने टूर के लिए। हे गाइज, आई एम प्रिटी श्योर कैमरे में आपको समझता नहीं होगा, पर ये एक नंबर जगह है, एक नंबर व्यू है। अगर आप कभी आ रहे हो या इस साइड लोनावला साइड, तो इस जगह पे आओ, विजिट करो, एक नंबर जगह है। व्यू देखो, पीछे फुल पहाड़ पहाड़, बीच में से आता हुआ पानी, एकदम मस्त लगता है। तो आओ देखो, इंजॉय। नया दोस्त कालू लोनावला की चाय। और एक गांव से लोहागढ़ तक 10 किलोमीटर ऐसी रास्ता है पूरा गंदा, तो कम से कम आधा घंटा लगेगा पार होने के लिए, तो ये खराब रास्ता पार करके आपको मिलते हैं। और अभी कुछ समय पार हम लोग फाइनली पहुंच गए 110 किलोमीटर पार करने के बाद, और इधर पार्किंग का 20 रुपये, तो पार्किंग को सबको देखो मिल जाती है। किधर गए? पार्किंग मिल जाती है, तो अभी पार्किंग हो गया, अभी चलना चालू करते। इसके अंदर कुछ नहीं है, क्या बोलता है? देखना कल इसको धक्का मार नीचे से, और मैं हिलाया तो
सभा गृह याद निकाल रही तो फाइनली हम लोग अभी उतर गए, तो जितना टाइम चढ़ने लगा उससे कम टाइम में उतर गए। ऊपर बहुत मज़ा आया, फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया इसलिए ऊपर ज़्यादा कुछ शूट नहीं। तो अभी यहाँ से निकल गए, बहुत मज़ा आया। पर ऊपर थोड़ा सा वो एक था उसके बाद चिरपिर हो गया वॉचमैन के साथ, वो बोलते हैं 25 रुपये एंट्री भरने का, और वो आधे जन से ले रहा नहीं था, आधे जन से ले रहा था, तो हम लोग भी भरे ही नहीं, ऐसे ही गए। तो उसको बराबर सबसे अगर लेता था तो हम लोग दे देते थे, तो इसके वजह से चिरपिर हो गया, बाकी पूरा ट्रिप एक नंबर हो गया। तो अभी लोनावला या खंडाला पार करने के बाद खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी सुबह, घर से भी कुछ खाके नहीं निकले थे। तो अगर आप तो ये व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है, और अभी तो गाड़ी न्यूट्रल पे ही चली जाएगी, पूरा स्लो पे, तो मचाते हैं ब्रो। अभी 10 किलोमीटर गंदा रास्ता, और 10 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर घर के लिए, फिर ट्रिप खत्म। तो 10 किलोमीटर गंदा रास्ता अभी पार हो गया, अभी 100 किलोमीटर डायरेक्ट घर पे। तो बीच में किधर तो रुके के खाने के लिए वो तो है। तो आपको क्या लगता है, घर देखने के लिए पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट करके आपके आंसर बताइए। और अगर आपको कोई लग रहा है कि इसी जगह पे जाके मुझे ब्लॉग करना चाहिए, वो जगह भी कमेंट करें, मैं वहाँ जाके आपके लिए ब्लॉग करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हर टाइम पर ऐसा घोड़े की गाड़ी बंद गिर गई है, तो अभी उसको टो मार रहे। पूरा खंडाला घाट घोड़ा ने टोइंग लेके या स्लोप पे डायरेक्ट आके ऐसे ही खंडाला घाट उतार लिया। तो अभी खंडाला उतर के अभी देखते हैं आगे पेट्रोल पंप किधर है, और वो गरीब को पेट्रोल दे देते। तो अभी खोपोली में पेट्रोल भर लिया है, अभी निकल रहे, अभी ढूंढ रहे खाना किधर खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी खाना खाने रुके होटल कौन सा, स्वराज में। और फिर ठीक है, चांगली लौटे ना प्लेट। तो फाइनली घर पर पहुँच गए, अभी फटफट फ्रेश होते और आरती के लिए जाते हैं। आज थर्सडे है तो आज बाबा की आरती के लिए जाते ही। तो अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन को रेड किए बिना जाइए मत। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ जल्दी।